द केरल स्टोरी पर विवाद बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल चार दिन पहले जारी हुए इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि पहले केरल से कथित रूप से 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं। फिर वे इस्लाम धर्म कबूल करती हैं और आतंकी संगठन ISIS में जुड़ जाती हैं। जब से ये ट्रेलर सामने आया है तब से केरल और वहां रहने वाले मुसलमान सवालों के घेरे में आ गए हैं। यही कारण है कि राजनीति और समाज दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्से ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरा हिस्सा इसे केरल की वो जमीनी सच्चाई बता रहा है जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई है। इस पूरे विवाद के बीच अब फिल्म के निर्देशक और निर्माता का बयान सामने आया है। विवाद के बीच फिल्म के निर्देशक, निर्माता और अभिनेता ने फिल्म का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि द केरल स्टोरी आतंकवादियों पर केंद्रित है, न कि मुसलमानों पर। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे फिल्म में केरल राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा है कि मैंने महीनों के शोध के बाद ये फिल्म बनाई है। पहले तो कोई भी निर्माता इस फिल्म का समर्थन नहीं करना चाहता था, फिर विपुल शाह तैयार हुए। वही फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि केरल राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाया गया है, न ही फिल्म में कुछ अपमानजनक कहा गया है। फिल्म आतंकवादियों पर आधारित है, न कि मुसलमानों पर। केरल के मुख्यमंत्री को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि फिल्म पर हो रहे विवाद पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने भी बयान जारी किया था। उन्होंने फिल्म को RSS का एजेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बनाने वाले लव जिहाद का मुद्दा उठाकर राज्य में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं और संघ परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म द केरल स्टोरी में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं की कहानी दिखाई गई है। उन लड़कियों की कहानी जिन्होंने पहले इस्लाम कबूला और फिर आतंकी संगठन ISIS से जुड़ गए। इतना ही नहीं, इराक और सीरिया जाकर ISIS के लिए काम भी किया। आपको बता दें कि ये फिल्म 5 मई के दिन रिलीज होने वाली है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए वेक अप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।